फिर से बात करने जा रहे हैं। अब चैप्टर से ताल्लुक थोड़ा सा एक जिक्र होने जा रहा है, तो इसमें जो जिक्र करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसमें सबसे पहले जो बात करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन हिंदी में कहें तो रासायनिक अभिक्रिया। याद रखिएगा कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसमें दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और नए सब्सटेंसेस का दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं तो लामहला जाहिर सी बात है कि वो दो या दो से ज़्यादा ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। समझ गए, अगर दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं तो कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स बनाएंगे, रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट बनाएंगे। उसी तरह से दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं तो उतने ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जिस हिसाब से पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेंगे, दो पदार्थ हैं वे अभिक्रिया कर रहे हैं तो उसी से संबंधित, उसी से ही ताल्लुक रखता हुआ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट एंड फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, लेट अस एज्यूम दैट, माना कि ए जो है वो बी के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, और यहां पर सी का फॉर्मेशन कर रहा है। ए बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और सी का फॉर्मेशन कर रहा है, तो जो ये एरो है ये, इसके इधर लिखी जाने वाली चीज़ें जो होती हैं उनको रिएक्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट, हिंदी में कहें तो अभिकारक। ठीक है, ठीक उसी तरह से इस एरो के राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट। एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट होगा और एरो के राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होगा। हिंदी में कहें तो ये अभिकारक है और ये उत्पादक है। इन दोनों के दरमियान अभिक्रिया हुई, रिएक्शन हुई और ये भाई साहब बन गए। ठीक उसी तरह से हम कि एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लिया कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब एक छोटा सा होमवर्क आपको और दे दिया गया, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, मैं बैलेंस कर दूंगा, लेकिन आपको मुझे ये बताना है, कमेंट में मुझे बताइएगा कि जितने भी जो न्यूमेरिक फिगर मैंने इस्तेमाल करे हैं, चाहे वो रिएक्टेंट को बैलेंस करने में हो, चाहे वो प्रोडक्ट को बैलेंस करने में हो, अगर मैं यहाँ टू लगा रहा हूँ तो क्यों लगा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ टू लगा रहा हूँ तो क्यों लगा रहा हूँ, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से हमारी बैलेंस हो गई कि मैग्नीशियम के दो एटम ऑक्सीजन के दो एटम के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड के दो एटम या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा। अब
हम क्या एक मैग्नीशियम को एक ऑक्सीजन के एटम के साथ रिएक्ट करा कर सकते थे? मुझे ये जवाब कमेंट में आप बताएंगे, वरना मुझे लगेगा कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके अंदर ये सवाल होगा कि ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्यों कर रहा है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको समझ में तो आता है लेकिन कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो वो बच्चे भी परेशान ना हों। उनके जो भी सवालात होंगे उनको मैं बिल्कुल गौर फिक्र उन पे करूँगा, उस पे ध्यान दूँगा, तवज्जो दूँगा। जो भी सवाल होंगे आप मुझे कमेंट में बात करिएगा, और जो भी आपकी चीज़ें मैं पूछता हूँ अपनी वीडियोज़ में, उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनके जवाब आपके सामने रखूँगा, ताकि आपको भी ये पता चले कि अगर मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन के पास दो लगाया है तो क्यों लगाया है। इसको जानने के लिए थोड़ा सा जिक्र करेंगे आप पीरियोडिक टेबल का। वैसे मैं क्लास 9th का एक वीडियो लॉन्च करने वाला हूँ जिसमें मैं पीरियोडिक टेबल की बारीकियों के बारे में थोड़ा सा जिक्र करूँगा, जो पीरियोडिक टेबल की जो कॉन्सेप्ट हैं, जो रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है, रिएक्शन में दो इस्तेमाल किया गया है तो क्यों, मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमने यहाँ पर दो क्यों लगा दिया। यहाँ पर दो था क्योंकि ये डाई एटम था, डाई एटम होने की वजह से हमने यहाँ पर टू लगाकर इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आएंगी और इसी तरह से हम लोग आगे बात करते रहेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में मुझसे